सिक्स क्लास, आज हम करेंगे पाठ चार इंद्रधनुष। उमड़े बरसे काले मेघ, नभ में जैसे लाखों छेद, वर्षा थमी धरा मैं की, प्रकृति दिखती हरी भरी। अब बच्चे अर्थ देखो, उमड़े का अर्थ है फैल जाना या फिर घिर कर आना। बरसे का मतलब क्या है इसमें? बरसना। बरसे का मतलब बरसना। मेघ का अर्थ क्या है? बादल। मेघ का अर्थ बादल। थमी का मतलब क्या है? रुक जाना। धरा धरती। ठीक है, अब हम प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें कि में से कविता इंद्रधनुष में से ली गई है। इसमें कवि ने इंद्रधनुष की विशेषता का वर्णन किया है। उमड़े बरसे काले मेघ, नभ में जैसे लाखों छेद। कवि कहता है कि उमड़ घुमड़ कर काले बादल आकाश पर छा गए हैं। उनमें से वर्षा ऐसे होने लगी जैसे आकाश में लाखों छेद एक साथ हो गए हों। वर्षा थमी धरा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी। वर्षा के रुक जाने पर सारी धरती से सौंधी सी महक आने लगी और सारी प्रकृति जो है, कुदरत है, वो हरी भरी सी दिखाई देने लगी। नेक्स्ट देखो, सहसा सूर्य देव आए, सोने सी किरने लाए, नभ पर रंगों का मेला अर्धवृत्त जैसा फैला। प्रसंग लिखना है सबसे पहले। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में संकलित कविता इंद्रधनुष में से ली गई है। इसमें कवि ने इंद्रधनुष की सुंदरता का वर्णन किया है। सरलाथ, सहसा सूर्य देव आए, सोने सी किरने लाए। सहसा का मतलब है अचानक। सूर्य देव, सूर्य देवता, सूरज देवता। सोने का अर्थ है सुनहरी किरने, किरने सुनहरी सी किरने, मतलब सोने की किरने, सुनहरी सी किरने। कवि कहता है कि वर्षा रुकते ही अचानक आकाश पर सूरज देवता आ गए और वह अपने साथ सोने जैसी सुनहरी रंग की किरने लाए। नभ पर रंगों का मेला अर्धवृत्त जैसा फैला। नभ का अर्थ है आकाश, अर्धवृत्त का अर्थ है आधा गोलाकार। नभ पर रंगों का मेला अर्धवृत्त जैसा फैला। किरणों के फैलते ही आकाश में आधे गोलाकार में इंद्रधनुष दिखने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे आकाश में रंगों का मेला लग गया हो। वर्षा के बाद सूर्य देवता आने के कारण आकाश में क्या बनता है? इंद्रधनुष। यह है इंद्रधनुष प्यारा, सतरंगा न्यारा न्यारा, हृदय हार नभ रानी का, मोहित मन हर प्राणी का। तो प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे की में सीखे की कविता इंद्रधनुष में से ली गई है। इसमें कवि ने वर्षा के पश्चात आकाश में दिखने वाले इंद्रधनुष की सुंदरता का वर्णन किया है। यह है इंद्रधनुष प्यारा, सतरंगा न्यारा न्यारा। कवि कहता है कि आकाश में सात रंगों में रंगा हुआ अद्भुत सा दिखाई देने वाला जो है रंग बिरंगा, यह इंद्रधनुष है। हृदय हार नभ रानी का, मोहित मन हर प्राणी का। यह इंद्रधनुष इतना सुंदर है कि लगता है जैसे आकाश की रानी के गले का सुंदर हार हो। कवि कहता है कि यह इतना सुंदर दृश्य है कि सभी लोगों के मन को मोह लेता है। नेक्स्ट देखो, सुंदर यह प्रभु का झूला, देख देख कर मन फूला, झूला प्रभु के आंगन में, किरने झूले सावन में। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें
की कविता इंद्रधनुष में से ली गई है। इसमें कवि ने वर्षा के पश्चात आकाश में दिखने वाले इंद्रधनुष की सुंदरता का वर्णन किया है। सरलार्थ लिखना है। कवि कहता है कि इंद्रधनुष की सुंदरता को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने इस सुंदर झूले को अपने आंगन में डाल रखा है और सावन के मौसम में सूर्य की सुंदर किरणें इस पर झूला झूल रही हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस इंद्रधनुष को ईश्वर ने अपने आंगन में डाल रखा है और सावन की जो किरणें हैं, सावन के मौसम की जो सूर्य की किरणें हैं, इस पर झूला झूल रही हैं। नेक्स्ट देखो, वर्षा ऋतु मुस्कुराती है, सतरंगी हो जाती है, आओ हम भी मुस्काएं, रंग खुशी के बिखराएं। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में संकलित कविता इंद्रधनुष में से ली गई है। इसमें कवि ने वर्षा के पश्चात आकाश में दिखने वाले इंद्रधनुष की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहता है वर्षा ऋतु मुस्कुराती है, सतरंगी हो जाती है, कि इंद्रधनुष को देखकर वर्षा ऋतु भी मानो जैसे मुस्काने लगती है और उसके रंगों से यह भी सतरंगी हो जाती है। आओ हम भी मुस्काएं, रंग खुशी के बिखराएं। कवि कहता है कि आओ हम सब भी इंद्रधनुष के समान अपने जीवन में मुस्काएं और खुशियों के रंग बिखराएं। हाँ जी बच्चे, ध्यान से जे सुननी आपने कविता और सारा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है।